यार पूरा स्टेडियम में देख सकते हैं, गोल गोल राउंड जबरदस्त भीड़ हम लोगों को देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर बैठने के लिए कैसा है, मतलब इसको भी सुधारा जाएगा धीरे धीरे, इसको भी काम अभी चलेगा। कहीं बैठने का जगह नहीं है, कम से कम इतना भी तो कर देना था कि कम से कम घास जो है ऊपर में जो साफ करा देना चाहिए कम से कम। शायद धीरे धीरे सुधर जाएगी, आने वाले कुछ दिन मैच होते रहेंगे तो चलेगा। तो पब्लिक वाले मैच को एंजॉय करें, खड़ा ही होकर मैच को देखने, बैठने के लिए तो बहुत एकदम बोले कि इंतजाम अच्छा नहीं है। बोलना यही चाहेंगे जब मैच होगा तो सुविधा भी बढ़िया मिल जाएगा, और हम लोग भी ऐसे देखने के लिए फ्री में भी आए हैं। बूढ़े लोग आ रहे हैं, बच्चे लोग आ रहे हैं, बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, दयनीय स्थिति। हाँ, देयर इज नो डाउट। पटना के मोलो स्टेडियम में बहुत साल के बाद मैच हो रहा है। अभी गाइस पटना के मोलो स्टेडियम के पास है, यहाँ पर बहुत साल के बाद मैच हो रहा है, रणजी ट्रॉफी यहाँ पर हो रहा है, मुंबई वर्सेस बिहार का हो रहा है। तो अंदर चल के आप लोगों को दिखाते हैं। ये देख लीजिए गेट नंबर 3 से आप लोगों को आना है, पार्किंग में यहीं पर है, कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है। चलिए चल के दिखाते हैं, देखिए स्टेडियम में बहुत साल के बाद यहाँ पर मैच हो रहा है, ये देखिए। ये देख लीजिए भीड़ काफ़ी स्टेडियम में, हल्का फुल्का भीड़ बढ़ते जा रहा है। ये देख लीजिए ड्रोन का शॉट लेने की कोशिश करेंगे, बट देखते हैं थोड़ा और अच्छा मौसम हो जाए फिर ड्रोन से लेंगे एक वीडियो। बाकी जूम करके दिखा देते, देखिए यहाँ पर बहुत साल के बाद है मैच हो रहा है, हम लोग मुंबई वर्सेस बिहार का हो रहा है मैच। ये देख लीजिए जितना हो सके मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ भाई आप लोग को, बिहार वालों को भीड़ लग गया भाई यहाँ पर, बहुत टाइम के बाद मैच हो रहा है। यहाँ पर देखिएगा जला वला लगता है, रात में सेकने के लिए आते हैं क्या। इसके पहले गाइस बहुत लगता है 5-6 महीने पहले व्लॉग बनाए थे, पूरा स्टेडियम को आपको दिखाए थे कि बैठने के लिए जगह पूरा एकदम खराब है, बट धीरे धीरे सुधारा जाएगा। अभी देखिए मेट्रो का काम चल रहा है, मेट्रो काम के बाद पूरा इसका रिनोवेशन किया जाएगा, सरकार का भी बातचीत चल रहा है, रिनोवेशन इसका स्टार्ट होगा बट अभी मेट्रो काम चला उसके बाद होगा। फिलहाल तो यहाँ पर रणजी ट्रॉफी का मैच हो रहा है, आप लोग आइए, अभी 2-3 दिन तक रहने वाला है। देख सकते हैं गाइस यहाँ पर बैठने के लिए कैसा एकदम है, मतलब इसको भी सुधारा जाएगा धीरे धीरे, इसको भी काम अभी चलेगा। फिलहाल तो आप लोगों को मैच देखिए काफ़ी भीड़ होते जा रहा है, पूरा स्टेडियम में देख सकते हैं गोल गोल राउंड जबरदस्त भीड़ हम लोगों को देखने को मिल रहा है। पटना बिहारवासी पटनावासी आते जा रहे हैं, अभी 3 दिन तक मैच चलने वाला है, आज कल परसों 3 दिन तक मैच रहेगा। देखिए आते जा रहे हैं, मीडिया वाले भी आ रहे हैं रिव्यू, क्योंकि बहुत साल के बाद यहाँ पर मैच देखने को मिल रहा है, ये भी थोड़ा सुधरा था तो अच्छा होता। बाकी फिलहाल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि बिहार वालों का यहाँ पर मैच हो रहा है, बिहार मुंबई वर्सेस हो रहा है। स्कोर बोर्ड वगैरह तो ऐसा कुछ नहीं हम लोग को दिख रहा है, बट वहीं से डायरेक्ट किया जाएगा। बाकी भीड़ धीरे धीरे देखिए जुटते जा रहा है, आप लोग यहाँ आके मैच देखिए पटना के मोलो स्टेडियम में। सिर्फ यहाँ का नीचे का सिर्फ बनना बैठने वाला बाकी है, बाकी तो स्टेडियम काफ़ी खूबसूरत बनाया जा चुका है, देख सकते हैं। थोड़ा पास से चल के दिखाते हैं, देख लीजिए पिच वगैरह जो काफ़ी खूबसूरत है, मतलब लास्ट टाइम जब वीडियो बनाए थे उस समय तो एकदम बदसूरत बेकार लग रहा था, बट मैच हो रहा तो देखिए काफ़ी क्लीन कर दिया गया है। रेनोवेशन इसका काम चलेगा जब मेट्रो का पूरा आपको बताया कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इसका रेनोवेशन काम चलेगा, ये सब बैठने वाला सब कुछ को सुधारा जाएगा। देख लीजिएगा थोड़ा एकदम जंजर है बैठने वाला, पहले बहुत बढ़िया था आलिशान, यहाँ पर क्रिकेट वर्ल्ड कप एक बार मैच हुआ था इंडिया का बहुत साल पहले, उसके बाद से एकदम इस लॉकडाउन के बाद तो पूरा बेकार था, मतलब पिच वगैरह लेकिन सुधार दिया गया है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन देखिए लिखा हुआ है, BCCI है, देख सकते हैं ऊपर वहाँ पर जो थोड़ा VIP वाला है वहाँ पर पब्लिक स्पेशली गई है, अगर पूरा खाली रहे कोई नहीं आएगा, और दूर दूर से आ रहे हैं लोग यहाँ पर देखने, पूरा बिहार वासी ही हैं जितने भरे हुए, देखिए आगे गोल गोल भी आप लोग देखिएगा तो पूरा आपको भीड़ ऐसे भीड़ देखने वाला है। पूरा पब्लिक से भी गाइस जानने की कोशिश करेंगे इतना टाइम के बाद यहाँ पर मैच हो रहा है, क्या बोलना चाहेंगे बिहार वालों और मुंबई वालों का मैच। ये देख लीजिएगा ये स्कोर बोर्ड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहीं पर से देता, बट स्कोर बोर्ड का भी काम चल नहीं रहा है, फिर से होता है रिनोवेशन होगा, बट मेट्रो काम चल रहा है उसके बाद से रिनोवेशन का स्टार्ट होगा। बाकी मैच देखने के देखिए एकदम भीड़ जुटते जा रहा है यहाँ पर पब्लिक का, पूरा उधर से हम लोग आए यहाँ भी रिस्पॉन्स मिल रहा है, वहाँ भी भीड़ लगा हुआ है, ऐसे गोल गोल घूमिएगा तो ऐसे ही आपको भीड़ दिखने वाला है। अभी आइए 2-3 दिन का मैच चलने वाला है। अपने पटना के मोलो स्टेडियम में गए बहुत सालों के बाद यहाँ मैच हो रहा है, लास्ट टाइम जो अपडेट दिए थे यहाँ पर आप देखे थे बहुत काम चल रहा था, बाकी पिच वगैरह तो ठीक है, सिर्फ बैठने का एकदम बहुत खराब इंतजाम है, और स्कोर बोर्ड का भी काम नहीं चल रहा है। फिर से आपको बता रहे मेट्रो का काम रिनोवेशन पर है, जब मेट्रो काम हो जाएगा उसके बाद स्टेडियम का काम यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। इसके पहले हम लोग बिहार राजगीर में जो बन रहा है बड़ा सा स्टेडियम उसका भी अपडेट दे चुके हैं, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप लोग चेक कर लीजिए। आगे से देखिए भीड़ जुटते जा रहा है, पब्लिक खड़ा ही होकर देख रही है, अगर बैठ कर देखना है तो आगे जो बना हुआ है वहाँ पर लोग देख सकते हैं, स्कोर बोर्ड भी आपको दिखा दिए वो खराब है,
लोग खुद ही मैच देखकर पता कर रहे हैं कि कितना कौन रन बढ़ा रहा है। अच्छा से आपको देखना पड़ेगा क्योंकि स्कोरबोर्ड है नहीं, इस कारण से आए तो थे अजिंक्य रहाणे सर को देखने के लिए, लेकिन व्यवस्था सही नहीं होने के कारण खेले नहीं पाए। हमको लग रहा है व्यवस्था ही मेन मोटिव है कि नहीं खेले, प्लेइंग 11 में नहीं है। देखे स्टेडियम सब का हाल बहुत खराब है सर, खड़ा होकर देखना पड़ रहा है, उसमें भी डर उर लग रहा है कि मतलब कचरा है ना, देख रहे हैं ना, बहुत कचरा है। बस देखिए फर्स्ट बार बिहार की धरती पे मैच हो रहा है, वो भी बड़ी टीम के साथ, यहाँ पर धीरे धीरे सुधर जाएगी आने वाले कुछ दिन, मैच होते रहेंगे तो कोई भी एक कोई चीज की शुरुआत नहीं होता है। चलिएगा तो पब्लिक वाले मैच को एंजॉय करें, खड़ा ही होकर मैच को देख रहे हैं, बैठने के लिए तो बहुत बोले कि इंतजाम अच्छा नहीं है, बाकी जो भी अपना खड़ा होकर लेकिन मैच देख रहे हैं। बिहार वाले गाइस कैसे भी करके मैच देख लेते, लास्ट टाइम जब मैच हुआ था ऊपर पेड़ पर चढ़ चढ़ के यहाँ पर लोग मैच देख रहे थे, बहुत साल पहले जब मैच हुआ था, समय लगता है उस समय बच्चा होगा, तो पेड़ पर चढ़ चढ़ के लोग यहाँ से मैच देख रहे थे। अभी जब बिहार और मुंबई वर्सेस हो रहा है तो यहाँ पर भीड़ धीरे धीरे जुटते जा, बोलना यही चाहेंगे जब मैच होगा तो सुविधा भी बढ़िया मिल जाएगा। अच्छा। और हम लोग भी ऐसे देखने के लिए फ्री में भी आए हैं। हाँ। तो फ्री में जैसे आए हैं वैसे ही ना मिलेगा, वैसे ही ना मिलेगा। हाँ। ये अच्छा बात बोले आप, कोई बोले भैया फ्री एंट्री गाइस गेट नंबर 3 से आप लोग आज आगे मेट्रो काम चल रहा है, वहाँ से आपको एंट्री नहीं मिलने वाला, कार वगैरह लेके आ रहे तो भूल जाइए, पैदल आइए, स्कूटी से साइकिल से आइए, कार का शायद एंट्री नहीं मिलेगा क्योंकि अंदर उतना अच्छा से पार्किंग नहीं है। अभी तो बिल्कुल फ्री एंट्री, कोई आपको चार्ज मैच देखने के लिए नहीं, एक रुपया नहीं आपको लगने वाला है। पटना के मोनरो स्टेडियम में बहुत साल के बाद मैच यहाँ पर हो रहा है, रणजी ट्रॉफी हो रहा है, मुंबई वर्सेस बिहार का भी मैच चल रहा है, पटना वाले को एकदम भीड़ जुटते जा रहा है, बिहार वाले आ रहे हैं एकदम उत्साह दिखा रहे अपना, बट सिर्फ बैठने का यहाँ पर जो अच्छा से इंतजाम नहीं है, धीरे धीरे इसका रिनोवेशन का काम होगा जैसा मैंने आपको बताया। और अभी फिलहाल तो मैच देखने के लोग खड़ा ही देख रहे हैं, आगे जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन बना है वहाँ पर लोग आराम से बैठ कर देख रहे हैं। ये देखिएगा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन जो लिखा हुआ है यहाँ पर आराम से बैठ कर देख रहे हैं, थोड़ा साफ क्लीन है वहाँ पर। बाकी इधर का आप लोग देखिएगा तो देख लीजिए एकदम झंझट है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि गिर जाएगा दब जाएगा ऐसा देखने में लग रहा है, भीड़ देखे पब्लिक का देखिए जुटते जा रहा है, कुछ लोग मैच देख के वापस लौट रहे हैं और धीरे कुछ लोग आ भी रहे हैं। स्टेडियम की स्थिति आप खुद दे सकते हैं कि झाड़ फूक है, कम दर्शकों के लिए तो यहाँ साफ सफाई होना चाहिए ना, गर्व की बात है कि रणजी ट्रॉफी का एक मैच है। हाँ। इतना दिन के बाद लोग आए हैं। हाँ, बहुत साल के तो बाद बहुत साल के बाद देख रहे हैं जिज्ञासा लोगों का कि धीरे धीरे सब लोग आ रहे हैं, बुजुर्ग भाई मेरे पिताजी हैं। अच्छा। कितने पुराने एज के हैं फिर भी शौक इनका कि बिहार में चलो देखते हैं नवयुवक लोग क्या करते हैं, हमारा बेटा भी तैयारी करता है, तो इस तरह से देख पाते हैं कि बिहार में क्या स्कोप है, यहाँ रह के खेला है या बाहर खेला है, तो स्थिति देखने से आईने की तरह चीजें सामने नजर आती है। आप खुद देख लीजिए, बूढ़े लोग आ रहे हैं, बच्चे लोग आ रहे हैं, बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, दयनीय स्थिति। मैच का पिच तो पूरा क्लीन स्टाफ है। हाँ, देयर इज नो डाउट ग्रासेस है और मैच का जो पिच देख रहे हैं बहुत अच्छा है, इसी के अनुकूल आप दर्शकों के लिए भी चीजें रखिए क्योंकि तालियों की गड़गड़ाहट ही हौसला को अफजाई करता है खिलाड़ियों को। आज के नौजवान लड़के सब यहाँ क्रिकेटर सब है पूरा एकदम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम सबसे रिव्यू ले लेते हैं मैच को लेकर, क्या बोलना चाहोगे? क्रिकेटर हो ना जी, मजा आ रहा है मैच देख के। अच्छा, इतना साल के बाद हो रहा है, कुछ बोलना चाहोगे इसके बारे में? आप क्या ही बोल सकते हैं, अच्छा लग रहा है देख के। मैच को लेकर क्या बोलना चाहेंगे सर, इतना साल के बाद पटना में हो रहा है मैच हम लोग? सबसे बड़ा बात है कि खुशी इस बात का है कि ऑर्गेनाइज जो है हुआ है, अगर इस टाइप से अगर होता है तो आने वाला जो फ्यूचर है, जो आने वाला बच्चे लोग है उनके लिए उस व्यू से बहुत बढ़िया है कि ज्यादा से ज्यादा मैच हो कि ताकि बच्चा जो अभी जितना भी बच्चे को देख रहे हैं ये सब एकेडमी का बच्चा है। अच्छा। ये लोग अपना तैयारी कर रहा है, लेकिन इन लोग का मनोबल बढ़ाने के लिए इस व्यू से मैच बहुत बढ़िया है, लेकिन रख रखाव और जो स्टेडियम का जो ये बुरा हाल है ये तो इस पर तो ध्यान देना होगा बीसीए को, कहीं बैठने का जगह नहीं है, कम से कम इतना भी तो कर देना था कि कम से कम घास जो है ऊपर में जो साफ करा देना चाहिए कम से कम इसके। और लेकिन ये देख लीजिए आप स्थिति यहाँ पर, ये कहाँ पर बैठेगा लोग, झाड़ी जैसा हो, झाड़ी झाड़ी जंगल झाड़ी हो गया है, और जो सीढ़ी उड़ी है उसको कम से कम झाड़ू दिलवा देता है कि जो बच्चा लोग जो आया है मैच देखने के लिए, बिहार के पब्लिक जो है, बिहार का पब्लिक में बहुत उत्साह है क्रिकेट के प्रति, क्रिकेट के प्रति जो है बच्चे लोग को बहुत लगाव है, यहाँ के दर्शक जो है बहुत अच्छे दर्शक है। एक तो मैच नहीं होता है, ना ही IPL होता है, ना टेस्ट होता है, ना वनडे होता है, ये कम से कम रणजी ट्रॉफी का अगर मैच हो रहा है तो उसके लिए अगर मान लिया अगर इस टाइप का जो थोड़ा सा रख रखाव है इसको थोड़ा सा ठीक किया जाए, अगर 10 रुपया पर प्लेयर ले बच्चा से ले तो देने के लिए भी तैयार हो जाएगा, 100 रुपया देने, लेकिन कम से कम साफ सुथरा तो हो जाना चाहिए ना, इस पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए। और BCA से रिक्वेस्ट है कि
कि आप इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये कम से कम ये हालत को नहीं रहने दीजिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा सुदय कुमार नाम हुआ। अभी तक जितने लोगों से बात की सर, सबसे अच्छा एक्सप्लेन किया, अच्छा से बोले, ये नहीं बोले गंदगी हुई है, कुछ नहीं, अच्छा से बोले कि थोड़ा 10 रुपए लेते, 50 रुपए लेते, 100 रुपए लेते, साफ करवा के रखना चाहिए था। क्योंकि मुंबई वाला टीम आया, हमने बिहार में मैच हो रहा है और बहुत साल के बाद हो रहा है, तो कम से कम मतलब खड़ा होकर लोग देख रहे हैं, इतना साफ करा देते एक ही जगह, पूरा स्टेडियम नहीं कराते, दो हिस्सा करा देते, कम से लोग आराम से बैठ के देख सके, तो थोड़ा मैच देखने में मजा भी आता। पॉपकॉर्न वाले या कुछ मूँगफली वाला आके बेचते, सब कुछ खाते, बट जिनको जिनको पता चल आकर मैच देख रहे, आप लोग भी आइए, अभी दिन तक मैच चल रहे हैं। जो एकेडमी के स्टूडेंट भी यहाँ पर जो क्रिकेटर क्रिकेट सीखते हैं, वो भी यहाँ पर मैच देख रहे हैं। अब बिहार में मैच हो, क्रिकेटर ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। पूरा टीम देखिए आया हुआ है, ऊपर खड़ा होकर देख रहे हैं। फिर सर ने बोला कि वही बैठने के लिए सही इंतजाम कर देना चाहिए था, बाकी ओवरऑल तो ठीक है, पिच वगैरह पूरा सही कर दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। कैसा लग रहा है मैच आप लोगों को? अच्छा लग रहा है, बहुत शानदार मैच है, बहुत 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 साल के बाद पटना में हो रहा है स्टेडियम में मैच, बहुत बढ़िया मैच है। स्टेडियम में क्या बोलना चाहिए? बहुत लोग बोल रहे बैठने का व्यवस्था नहीं है, बैठने का व्यवस्था है, बस सफाई पूरा ध्यान से नहीं, ज्यादा दिन बाद मैच स्टार्ट हुआ है इसलिए। चलिएगा तो व्लॉग एंड करते हैं, मिलते फिर अगले व्लॉग में। तो अगर ये व्लॉग आपको अच्छा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ओके बाय।